आगे बढ़ते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़श्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। मजीद जानेंगे असलम खोखर से। असलम, क्या डिटेल्स हैं? जी, ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है जिसमें चेयरमैन पीटीआई का जो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर दिया गया है और उनका पहली हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़श्ता रोज की जो समाअत है उसका यह तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और जिसमें यह कहा गया है कि नैब की जानिब से 10 रोज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। चेयरमैन पीटीआई को 4 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई को 21 नवम्बर को दोबारा अदालत के रूबरू जो है वो पेश किया जाए, ये हुक्मनामे में कहा गया है। अदालत ने जुम्मा के रोज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक नैब की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत की थी। जी, ये 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है जिसमें चेयरमैन पीटीआई का जो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर दिया गया है और उनका पहली हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़श्ता रोज की जो समाअत है उसका यह तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और जिसमें यह कहा गया है कि नैब की जानिब से 10 रोज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। चेयरमैन पीटीआई को 4 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू जो है वो पेश किया जाए, ये हुक्मनामे में कहा गया है। अदालत ने जुम्मा के रोज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक नैब की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत की। बहुत शुक्रिया आपने आगाह किया।